अथॉरिटी होती है वो ऊपर होते हैं और उसके नीचे के क्रम में अधिकारी कार्य करते रहते हैं। ए अधिकारी बी का बॉस है और बी अधिकारी सी का बॉस है और सी अधिकारी डी का बॉस है। बी अधिकारी ए का सबॉर्डिनेट है और इसी अवधारणा से जुड़ी हुई वन बॉस वन सबॉर्डिनेट की अवधारणा सैनिक संगठनों से ली गई और ये माना गया कि आदेश देने में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यानी एक अधीनस्थ को उसके निकटतम तत्कालिक उच्च अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करना चाहिए। यानी ए अधिकारी आदेश देगा बी को, सी को आदेश बी अधिकारी देगा, यानी उसका निकटतम अधिकारी उसको आदेश दे। हेनरी फेओल का मत है कि यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो संगठन में अनुशासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, आदेशों की अवज्ञा होगी और स्थायित्व खतरे में पड़ जाएगा। आदेश की एकता के सिद्धांत का संक्षिप्त और सरल शब्दों में वर्णन किया जाए तो इसका अर्थ है किसी कर्मचारी को मात्र एक अधीनस्थ से ही आदेश, एक उच्च अधिकारी से ही आदेश मिलना चाहिए ताकि अधीनस्थ एकाग्रता बनी रहे और भ्रम, दोहराव, रिपीटिशन, ओवरलैपिंग, ये सारी स्थितियां पैदा ना हो सकें। यूनिटी ऑफ कमांड, संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने के लिए कहा जाता है तो उसकी परिणाम स्वरूप भ्रम और अकुशलता उत्पन्न होगी। हम घर में भी जानते हैं कि अगर दो जने हमें आदेश दे रहे हैं तो हम किसके आदेश का पालन करें, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मम्मी ने एक आदेश दिया, पापा ने दूसरा आदेश दिया, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। उसी तरह से अगर हम कॉलेज की बात करें, अगर एक समय में हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है, वो भी अधिकारी हमें, टीचर हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसी समय में हमको ज्योग्राफी की भी क्लास अटेंड करनी है, तो दोनों में कौन सी क्लास अटेंड करें, हमारे सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, एक हमारे सामने ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आदेश देने वाले के एक होने के कारण इसे आदेश की एकता कहा जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है। इस संबंध में पिफनर प्रेस्थस ने कहा, आदेश की एकता से आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदार होगा। फेओल ने कहा, किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। क्यों आवश्यकता पड़ी हमें इस सिद्धांत की, द नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। किसी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं तो हमारे बीच में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। हम किसके कार्य को एक समय में पूरा करें। किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। यदि आज्ञा प्रसारित करने वाले कर्मचारियों की संख्या एक से अधिक हो तो उनमें विरोध अथवा भ्रांति उत्पन्न कराकर अधीन कर्मचारी उसका लाभ उठा सकता है। यदि किसी संगठन में कर्मचारी अनेक अधिकारियों से आदेश ग्रहण करता है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि उसे विरोधी आदेश प्राप्त हो और वह कठिन स्थिति में पड़ जाए। आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और उत्तरदायित्व को निश्चित करना कठिन हो सकता है। मतलब अगर मैंने आदेश दिया एक विद्यार्थी को और उसी समय में किसी दूसरे टीचर ने भी उसको आदेश दे दिया तो क्या होगा, विरोधी आदेश। मैंने कहा कॉलेज में बैठना है, दूसरे ने कहा बाहर जाना है। अगर इस तरह के दो आदेश मिलते हैं तो क्या होगा, कठिन स्थिति में पड़ जाएगा। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है और ये कह दिया जाता है कि ये काम करना है, किसी एक को नहीं कहा गया है, तो क्या होगा, भ्रम हो जाएगा और
हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। आदेश की एकता की विशेषताओं पर हम बात करें, बच्चों ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है और इस पर जो हमारा प्रश्न आता है वो हमेशा 10 नंबर का ही प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न नहीं आता, या तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है या 10 नंबर का प्रश्न आता है। तो एक इसको समझने की बात है, मैं यूनिटी ऑफ कमांड क्या चीज़ है, यह पद सोपानिक संगठनों से जुड़ा हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हायरार्की से जुड़ा हुआ है। हायरार्की पिरामिड स्वरूप है, जो मैंने आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर किया है, उसमें तीनों ही टॉपिक शेयर किए हैं, पद सोपान, आदेश की एकता और नियंत्रण का चित्र। ये तीनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनको करने के बाद हम उसको क्लियर समझ सकते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि एक कार्मिक को निकटस्थ अधिकारी से ही आदेश मिलने चाहिए। यह सत्ता, उत्तरदायित्व और नेतृत्व को परिभाषित करता है। क्लियर है? ये पावर कहाँ आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, लीडरशिप कौन किसको कर रहा है, ये क्लियर हो जाती है। उच्च स्तर के प्रति अधीनस्थ की जवाबदेहता को निर्धारित करता है। जवाबदेहता क्या कहलाती है? जवाबदेह का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मेरिट्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर ऑफ यूनिटी भी कह सकते हैं हम इसको, यह संगठन में सत्ता के सूत्रों को स्पष्ट करता है। संगठन में डिसिप्लिन बनाए रखता है, कंट्रोल बनाए रखता है। संगठन में किसी तरह का झगड़ा नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, विवाद नहीं हो, ये देखता है। संगठनात्मक उद्देश्यों में एकरूपता स्थापित करता है। यह सिद्धांत संगठन के अंतर्गत मितव्ययता और कार्यकुशलता को स्थापित करता है। कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से होता है, सुपरविजन ठीक प्रकार से होता है। तो इस रूप में हम देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक संगठन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए ये जरूरी है, स्केलर पद्धति के अनुकूल है। इस सिद्धांत से प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। कर्मचारियों में आज्ञा के संबंध में कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होती, इस कारण से कार्य में देरी नहीं होती। इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने तात्कालिक उच्च अधिकारी को अच्छी तरह से जानता है, उसे यह पता होता है कि उसे किससे आदेश ग्रहण करना है और वह किसके प्रति उत्तरदायी है। एक उदाहरण हम लेते हैं, हमने पढ़ा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री कार्यालय। हमने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रधान सचिव होता है वो क्या करता है, प्रधानमंत्री के अनुकूल होता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से उसकी नियुक्ति करता है, अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को नहीं नियुक्त कर सकता, बल्कि जो IAS होता है उसी को नियुक्त करता है। क्यों? क्योंकि उसमें विश्वास होना चाहिए। हर उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी में विश्वास करे और निम्न अधिकारी को ये पता हो कि उसका बॉस कौन है, उसे किसकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट भी हैं, उसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि एक समय में एक ही व्यक्ति आदेश दे, क्योंकि आज के समय में ये हर जगह पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि विशिष्टीकरण इतना है, स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है। एक से हम एक तरह के आदेश लेते हैं, दूसरे से दूसरे तरह के आदेश लेते हैं। कॉलेज में देखते हैं हम, बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, कभी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं NSS से, कभी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं स्कॉलरशिप से, अलग अलग जगह से। तो एक व्यक्ति के, एक अधिकारी के आदेश मानने चाहिए, आजकल के प्रशासन में यह संभव नहीं है। मिलिट्री में तो यह संभव हो सकता है, लेकिन हम सामान्य प्रशासन की बात करें तो यह संभव नहीं हो सकता। जिला स्तर की बात करें तो एक तकनीकी कर्मचारी को जिला स्तर के विभिन्न अधिकारियों से, अपने उच्च अधिकारी से, कलेक्टर से, अन्य अधिकारी, हम कॉलेज की बात करें, हमारे कॉलेज पर, प्रशासन पर
कहीं हमें सामाजिक अधिकारिता विभाग से भी जुड़ना पड़ रहा है, जिलाधीश से भी जुड़ना पड़ रहा है, आयुक्त से भी जुड़ना पड़ रहा है, मेडिकल बोर्ड से भी जुड़ना पड़ रहा है, तो कहीं से अलग अलग तरीके के आदेश प्राप्त हो जाते हैं। यह संगठन में विशिष्टीकरण और पहल लेने की शक्ति को कम करता है, हतोत्साहित करता है, रोकता है। यह भी कहा जाता है कि यह सार्वभौमिक रूप से आज के समय में उपयोगी सिद्धांत नहीं है और संगठन को रूढ़िवादी बनाता है। टेलर ने भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा, इससे सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियंस के निर्देशों को पालन करना पड़ता है, एक समय में अलग अलग लोगों से आदेश लेने पड़ते हैं। तो इस रूप में इसकी आलोचनाएं भी की गई हैं। टेलर कार्यात्मक फॉरमैनशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें एक अधीनस्थ श्रमिक को 8 पर्यवेक्षकों के विशिष्टीकरण से युक्त आदेश प्राप्त होते हैं। यानी एक श्रमिक को 8 उसके बॉस होते हैं, 8 उसके सुपरवाइज़र होते हैं, जो अलग अलग तरीके के आदेश उसको देते हैं, तो फॉरमैनशिप के अंतर्गत यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। सैकलर हडसन ने कहा कि इसका विरोध अनुभव के आधार पर किया है। उनकी मान्यता है कि अनुभव ने इसे अनुपयोगी, असंभव और काल्पनिक सिद्ध किया है। उनका मत है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उच्च अधिकारी की अवधारणा जटिल सरकारी स्थितियों में शायद ही कहीं पाई जाती है। शासन में स्थित प्रशासक के कई स्वामी रहते हैं और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से वह नीति संबंधी आदेश प्राप्त करता है, दूसरे से कार्मिक, तीसरे से बजट, चौथे से वितरण और उपकरण संबंधी। व्यावहारिक स्थिति में भी देखें हम बच्चों, तो आदेश की एकता का सिद्धांत लागू करना कठिन है, क्योंकि एक अधीनस्थ कार्य के विभिन्न भागों के संबंध में अलग अलग उच्च स्तर से विशिष्टीकरण से युक्त आदेश, स्पेशलाइज्ड हमको ऑर्डर मिलते रहते हैं। मिलेट ने कहा, द्वैत पर्यवेक्षण की संकल्पना की दो तरह के परीक्षण होते हैं, एक तो तकनीकी और दूसरे प्रशासनिक। तो यह सिद्धांत वर्तमान में पुराना पड़ गया है। विशेषज्ञों की संख्या और महत्व की पद्धति आजकल के प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में इस सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। अगर हम लीग पे बैठ गए कि हमें तो एक ही अधिकारी से आदेश का पालन करना है, तो ऐसी स्थिति में हम अपना भी विकास नहीं कर पाते। तो ये बात हुई कि आज के समय में इसकी प्रासंगिकता कितनी है। प्रश्न उठता है कि आदेश की एकता सिद्धांत को किस रूप में वर्तमान समय में लिया जा सकता है, क्या ये प्रासंगिक है? तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी अच्छाइयों को लेते हुए यह सिद्धांत प्रारंभ तो हुआ था, लेकिन वर्तमान जटिलताओं के युग में, आज के समय में जब हम विभिन्न लोगों से आदेश प्राप्त करते हैं, तो यह संभव नहीं है कि एक समय में एक निम्न अधिकारी एक ही उच्च अधिकारी के अधीन रह करके कार्य कर सके। इसका PDF आप लोगों के साथ में शेयर किया गया है, उसको भी पढ़ने का प्रयास आप लोग करें। आप लोग वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बच्चों, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो के लिंक आपको समय समय पर आते रहें। मैं WhatsApp पे आप लोगों को इन सारी चीज़ों को शेयर करती हूँ। जो लोग WhatsApp से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग भी उससे जुड़ करके नए लेक्चर्स को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि 2-3 महीने के पश्चात ही आपके एग्ज़ाम भी प्रारंभ हो गएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।